नमस्कार। पार्ट 10 आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान की, वाक्य के अंत में रहा होगा, लड़की के लिए रही होगी, और बहुवचन हो तो रहे होंगे। यह आएगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। उदाहरण है जैसे राम पढ़ रहा होगा, कविता पढ़ रही होगी, हम पढ़ रहे होंगे। बात करते हैं सकारात्मक वाक्यों की। सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल या विल के साथ बी लगाएंगे। देखें सेल और विल का प्रयोग इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस में पढ़ा था। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, जबकि शेष सभी सब्जेक्टों के लिए विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस में सेल और विल के साथ बी लगाएंगे, विल बी और सेल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उदाहरण वह जा रहा होगा, ही विल बी, वह के लिए ही लड़का है इसीलिए ही एक वचन या आई और वी में से नहीं है इसलिए विल बी, जाने की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो और उसमें आई एन जी यानी कि गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। यदि ऑब्जेक्ट में कहीं कोई स्थान का नाम हो, वह विद्यालय जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह बाजार जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह मंदिर जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू टेम्पल। तो सब्जेक्ट में साथ यदि ऑब्जेक्ट के रूप में कोई स्थान का नाम हो तो अंत में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अन्य उदाहरणों में हम खा रहे होंगे, वी सेल, बी ईटिंग, वी सेल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में यदि यहाँ कुछ फ्रूट्स नेम हो या खाना हो या कुछ और चीज़ हो तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में अंत में लगा देंगे। जैसे हम आम खा रहे होंगे तो वी सेल बी ईटिंग मैंगो, हम खाना खा रहे होंगे तो वी सेल बी ईटिंग फूड इत्यादि। यह है सकारात्मक वाक्य, नोट करें। उसके बाद देखें नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल और विल प्लस नोट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उदाहरण
वह नहीं जा रहा होगा। He will not be going. वह नहीं खा रहा होगा तो He will not be eating. वह सो नहीं रहा होगा तो He will not be sleeping. इसी तरह से इसके जैसे कई अन्य वाक्य हम बना सकते हैं। फॉर्मूला याद रखें, सब्जेक्ट सेल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, इसलिए सेल या विल सब्जेक्ट, उसके बाद में बी प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। उदाहरण, क्या तुम खेल रहे होगे? विल यू बी प्लेइंग? यदि ऑब्जेक्ट में कोई खेल का नाम होता तो वो आगे ऑब्जेक्ट के रूप में लग जाता। देखें, विल तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब विल, यू उसके बाद में बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेलना यानी प्लेइंग ऑब्जेक्ट होता, यदि क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन या कुछ और तो वो लगा देते उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अन्य उदाहरण में, क्या हम खा रहे होंगे? हम हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सेल, वी बी ईटिंग, सेल वी बी ईटिंग, क्या हम खा रहे होंगे। तो ये था आज का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में याद रखना है सेल बी विल बी, सेल बी का प्रयोग आई और वी के साथ, जबकि शेष अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करें। पहचान है वाक्य के अंत में रहे होंगे, रहा होगा या रही होगी आएगा। अब है पांच क्रियाएं और उनके साथ होमवर्क नोट करें। मुख्य क्रियाएं, नाचना गाना नकल करना पहनना और फाड़ना। देखें, डांस डांस डांस्ड, सिंग सेंग संग, कॉपी कॉपीड कॉपीड, वियर वोर वियर और टीयर टोर टीयर। ये होमवर्क आज का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अनुसार इनके सेंटेंस बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।